प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व राजदूत और सच्चे देशभक्त दीपक वोरा साहब। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा आप जाके पहले उसे भी जरूर देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। ये भी देखने में आया पाकिस्तान में कि आपकी जो अभी गवर्नमेंट गई है, यानी अभी तो इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी जी की, वो फेमस नहीं है पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों। और कांग्रेस को बहुत वाहवाही मिलती है, हालांकि कांग्रेस के टाइम पे भी हमारा झगड़ा ही रहता था, प्यार मोहब्बत उसको भी नहीं था। एक सवाल पूछो, कितने पाकिस्तानी वोट करेंगे भारत के इलेक्शन में? मुझे क्या फर्क पड़ता है तो उसको, अगर आप उसको गले लगा लेते हो किसी पार्टी को, आप वोट तो नहीं कर रहे। और ये विदेशी लोग जो क्योंकि उस टाइम पे वी वर रफली नेक एंड नेक अगेन, मैं इसका फिर रिग्रेशन एनालिसिस इतना बताऊंगा, टिल अबाउट 2010 2012 तक लगभग हम बराबर चल रहे। 2011 में तो पहली बार बेटा, पहली बार हमारी पर कैपिटा की बात कर रहा हूं, आपसे ज्यादा हुई 2011 में फर्स्ट टाइम। उससे पहले बराबर की थी, आपकी थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद जब ये आए तो फिर तो रॉकेट की तरह हम उड़ पड़े विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये तकलीफ होती है कि ये कहां से कहां पहुंच गए। हमारी सभ्यता में और दुनिया की जितनी सभ्यता है, मैंने सब जगह देखा, ईर्ष्या जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप चाहते हैं कि भाई वो वाली सरकार लाओ जो कुछ ना कर सके। ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे विदेशी फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ, मुझसे कहते हैं कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। बेटा आपको मैं फिगर्स देता हूँ, कुछ करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखे, यू नो यू आर इनसेनली पॉपुलर, आपका जो चैनल है सारी दुनिया देखती है। अब मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, 28 किलोमीटर ऑफ हाईवे एवरी डे हम बना रहे हैं, हम 8 नए एयरपोर्ट एवरी ईयर हम बना रहे हैं, 2 नए मेट्रो सिस्टम एवरी ईयर हम बना रहे हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिसमें से 51% हमारी बेटियां हैं। देखिए जब ये ग्रेजुएट करेंगे, पढ़ लिख जाएंगी, फैमिलीज अपने आप कम होंगी, क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जितने बच्चे एक महिला पैदा करती है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, वो 1.9 पे पहुंच गया, जबकि रिप्लेसमेंट रेट जीरो ग्रोथ रेट के लिए आपको 2.1 तक होना चाहिए, हमारे उससे कम हो गया 1.9। लेकिन आबादी बढ़ रही है क्योंकि हम वी आर ऑल्सो लिविंग लॉन्गर, ये इसका मेन कारण है। तो ये चीजें जब आप बड़े ध्यान से इनको सोचेंगे कि गाली गलौज से कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर सारी दुनिया हमसे कह रही है, पश्चिमी देश, कि वो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब से उनसे बात करो कि भाई ये कुछ खामोश हो जाए, शांत हो जाए। तो हमने कहा आप क्यों नहीं बात करते? बोले हम कैसे बात करें, हम तो उसको गाली दे रहे थे, हम उसको वॉर क्रिमिनल कह रहे थे, हम उसको टेरिबल फेलो मर्डरर कह रहे थे। तो मैंने कहा किसने बोला था गाली देना? मुझसे सीखो भाई, मैं तो चाणक्य की संतान हूँ डिप्लोमेसी, मैं आपको सिखाता। क्योंकि एक बार आपने गाली देनी शुरू कर दी फिर रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते टू अब्यूज विद अब्यूज, हम कहते हैं जो वो कहना चाहता है उसको कहिए। देखिए जब आपके राजदूत साहब ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हमारे अगेन, तो हमारी जो अम्बेसडर है वहां पे यंग शी मस्ट बी नाउ अप्रोचिंग 60, लेकिन जब मैं फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था ये नई आई थी, तो आई क्लेम द प्रिविलेज ऑफ हैविंग ट्रेन्ड रुचिरा कंबोज, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हर तरह से आउटस्टैंडिंग। उसने क्या जवाब दिया कि देखिए ये गाली गलौज से कोई फायदा नहीं है, हमारा कॉमन एम है टू डील विद टेररिज्म, तो हमारा डिस्कोर्स सिविलाइज रखिए, आप मोहब्बत से बातचीत करिए, अगर मोहब्बत नहीं भी कर सकते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करिए, अब्यूज करने से कोई फायदा नहीं है, और जो हमारे कॉमन चैलेंजेस हैं उनसे डील करिए। हर चीज में कश्मीर कश्मीर कश्मीर, सारी दुनिया, आपका क्या ख्याल है मैम, तीन देशों में जहां मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, लिसोथो, गिनी बिसाउ, साउथ सूडान, उनको तो पता भी नहीं कश्मीर का है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये ऑब्सेशन को तोड़ना पड़ेगा मैम, और जिस दिन ये टूट गया, आई कैन अश्योर यू, जब आप भविष्य की तरफ देखेंगे आने वाले समय में, यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ विद इन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, डू आई हैव अ फ्यू मिनट्स मोर? जी जी प्लीज प्लीज जी। यार हमारी जो एपिक है रामायण, विच इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स आर हिस्ट्री,
उसके अंदर मैं यही कहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े जासूस स्पाई मास्टर थे भगवान श्री हनुमान। आजकल तो हमारे अजीत डोभाल साहब है, उनके भी गुरु थे। उन्होंने पता लगा दिया कि सीता मैया को रावण ने लंका में कैद कर रखा, उनके सोर्सेज ने बता दिया। वो कहते ना हमारे स्रोतों ने बताया, उनको पता लग गया। लेकिन एज अ गुड स्पाई मास्टर उन्होंने कहा मैं खुद जाके देखूंगा, आई वॉन्ट टू डिस्कवर दिस, फाइंड हर माई सेल्फ। तो वो चले गए टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया कॉल रामेश्वरम। वहां से लंका उस टाइम पे 40 कोस 120 किलोमीटर दूर था। अब सवाल ये होता है कि वहां जाओगे कैसे? उस टाइम पे तो ट्रेन नहीं थी, पानी के जहाज नहीं थे, एयरक्राफ्ट नहीं थे, कार्स नहीं थी। 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो वो बैठे हुए बड़े निराश थे। और फिर भालुओं का राजा जम्बोवन या जम्बोवंता जिसको कहते हैं, वो आया और बोला हनुमान अपनी ताकत याद कर। और उस समय पे भगवान हनुमान ने अपनी ताकत याद करी, एक छलांग लगाकर लंका में पहुंच गए। तो बेटा आज हर घर में भारत में एक जंबो बनता है। हम वो दूसरों को उनकी ताकत याद करा रहा है और अपनी ताकत वो खुद जानता है। मैं शायद अभी तक 3 करोड़ बच्चों से, यंग माइंड से बात कर चुका हूँ। हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं शेपिंग यंग माइंड्स, जब मैं अभी भोपाल में था तो वहीं पे इसी विषय में हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए कि भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है, तो एक देश का देंगे। नंबर 2 कौन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर मैं जब आपके देश का नाम लेता मैंने उसका, हाँ सर भूल गया सर, वो क्या फर्क पड़ा, छोटा सा तो है। बट आप दूसरी साइड पे सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया। सो यू नो वी हैव टू लुक बियॉन्ड। बेटा भगवान हमें आंखें आगे देता है, पीछे नहीं। पीछे मत देखिए, हमेशा आगे की तरफ देखिए और बढ़िए आगे। आपके पास पोटेंशियल है, बट उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए। अपनी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना है। आपको भी एक जंबोवंता की आवश्यकता है आपके देश में। बिल्कुल सर, हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी बात करें जिससे हमारे लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकें और हम भी आगे बढ़ सकें और हम पीछे की तरफ ना देखें, जो कुछ हुआ उसको एक तरफ रख के और आगे दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। बट सर स्टिल अगर हम लास्ट में बात करें इसराइल और फलस्तीन की, क्या देख रहे हैं आप कि इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये वॉर बंद होगी? मैं सीधा आपको बता देता हूँ। हमास क्या कहता है कि इसराइल को जीने का हक नहीं है, इसराइल क्या कहता है कि हमास को जीने का हक नहीं है। तो पहले सरेंडर कौन करेगा? द सेम थिंग विद यूक्रेन बेटा। जब मैं अपने दोस्तों से, बुद्धिजीवियों से, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, पुतिन क्या सरेंडर करेगा? सवाल नहीं पैदा होता, नौकरी चली जाएगी। और वो जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन में बैठा हुआ, क्या वो सरेंडर करेगा? सवाल नहीं पैदा। 80% देश उसका बर्बाद हो गया, आप सरेंडर करके क्या करेगा? और वो बुड्ढन साहब जो क्या नाम उसका, जो बाइडन साहब जो बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, वो कहेंगे जी मैं हथियार नहीं देता? सवाल नहीं पैदा होता, उसकी इलेक्शन आने वाली है। चीन जो है वो रूस का समर्थन करना बंद करेगा? सवाल नहीं पैदा होता, चीन का दुश्मन तो अमेरिका। तो अगर सब कमिटेड हैं कि कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है शांति में, तो शांति कहां से आएगी? सिमिलरली जिस दिन इसराइल ने कहा अच्छा चल हमास भाई तू भी जी ले मैं भी जीऊंगा, अलग बात हो जाएगी। लेकिन हमास ये कहता है कि आपको जीने का, यहूदियों को जीने का हक नहीं है। तो हाउ डू यू फाइंड पीस? मेरा अपना मानना है ये जंग चलता जाएगा, किसी के का इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर शांति हो। अगर इतना इंटरेस्ट होता मैम, जो लोग आलोचना करते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा उनसे ये सवाल यही रहता है भाई आपकी 57 है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप लोग बांट लीजिएगा। जॉर्डन ले गया था कितने सारे पैलेस्टीनियंस को 1967 वॉर के बाद। और फिर आपको याद होगा 1970 में वहां क्या हुआ था, जब आप ही के एक आर्मी ऑफिसर ने मार मार के पैलेस्टीनियंस की नाक में दम कर दिया था। फिर वो आपके आर्मी ऑफिसर जो समय वहां ट्रेनिंग मिशन पे थे, बाद में आपके प्रेसिडेंट बने। तो ये चीजें जब होती हैं कि हु वांट्स देम, नोबडी। अगर आप उनका प्रयोग कर रहे हैं इसराइल को कंडेम करने के लिए, कंडेमनेशन से क्या होगा? इसराइल नोज कि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल है, मेरे जीवन पर खतरा है, वो उसने प्रूव कर दिया हमास ने। ऑन द सेम लाइंस आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, हम लोग आपको हड़प नहीं करना चाहते, जो वो नैरेटिव बनाया जाता है ना बेटा। और आप जैसे मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तानी आप उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई डोंट से आपको करना चाहिए, आप तो कर रही हैं, यू आर इन द थिक ऑफ इट। और आप जैसे बहुत हैं जो बातचीत करते हैं कि भाई भूल जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ो, 75 साल पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी खत्म होगी। आपको याद है मलेशिया और इंडोनेशिया, मैंने तो सर्विस किया उस एरिया में, वो 60s में कॉन्फ्रंटासी कहते थे, आपस में कॉन्फ्रंट है, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। उसके बाद फिर वो सुकार्नो साहब चले गए अपनी हुरों के पास जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से, और फिर ये दोनों लीडर्स जो नए लीडर्स थे दोनों तरफ मलेशिया इंडोनेशिया आपस में मिले, बोले डार्लिंग डार्लिंग, चलिए दोस्त बन जाते हैं, और आसियान बन गया 1967, अब वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए।
तो यू नीड फॉरवर्ड थिंकिंग। इथियोपिया में जो उनके राष्ट्रपति बने थे एबी अली, उन्होंने इरिट्रिया से कहा, यार टाइगर तू तो मेरा फर्स्ट कजन है, क्यों लड़ रहा है मेरे साथ, अजा बॉर्डर पे, मैं भी आ रहा हूँ बॉर्डर पे, मिलके चाय पियेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। वो बाद में फिर शुरू हो गई, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट द अटेम्प्ट वाज टू फाइंड इट आउट, टू सॉल्व इट थ्रू फॉरवर्ड थिंकिंग, थ्रू फ्री थिंकिंग, कि हाउ लॉन्ग कैन वी बी ट्रैप्ड इन द पास्ट। तो गाजा का भी यही है, इसराइल कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैंने देख लिया इतने सालों से आप यहाँ बैठे हो, मैंने आप वो गाजा पैलेस्टीन अथॉरिटी का भी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गाजा को एक टाइम पे अब आरोप लगाया जाता है कि इसराइल ने सपोर्ट भी किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें अगर देखें, फॉरगेट द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट, और फिर विद कॉन्फिडेंस मूव टू द फ्यूचर। आई डोंट सी एन एंड टू द गाजा कॉन्फ्लिक्ट टिल देयर इज अ चेंज थॉट प्रोसेस दोनों साइड। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए, आई विश ऐसा ही हो, क्योंकि आप जैसे लोगों को हम लोग सुनते रहते हैं और उसी से सीखकर यकीनन पाकिस्तान भी आई एम श्योर के आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, एंड भगवान हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और दीपक वोरा साहब का ये पॉजिटिव डिस्कशन और ये एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि हम जानते हैं दीपक वोरा साहब सच्चे देशभक्त हैं, जो ना सिर्फ अपने देश भारत का सोचते हैं बल्कि पड़ोसियों का भी भला चाहते हैं। पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज कांग्रेस को ज्यादा ही प्यार कर रहा है, जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री है फवाद चौधरी, उनको राहुल गांधी के प्रति काफी ज्यादा प्रेम आ रहा है। बाकी आपने देखा दीपक वोरा साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो उनको अपना कश्मीर का जो ऑब्सेशन है, कश्मीर के लिए जो प्यार है, वो छोड़ना पड़ेगा। और एक बात पर्सनली मुझे दीपक वोरा साहब की बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने रामायण को माइथोलॉजी नहीं हिस्ट्री का, यानी कि वो काल्पनिक नहीं है, वो सच में घटित एक घटना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।